नियमता का होना चाहिए। अगर हमारे राज्य में कोयला है तो रोजगार आदमी कहाँ मिले चाहिए, कोयला में। पता चल तो कोयला के खदान में काम करे वाला भी हमने के आदमी ना हो। भैया आज पलायन का है झारखंड में, तोर घर में रोजगार हो, तोर घर में कोयला हो, तोर घर में संसाधन हो, हुआ से अरबों रुपया का कोयला डेली बाहर मंडी में भेजल जा रहा हो, लेकिन तोर हुआ अधिकार ना हो तो हुआ रोजगार परखना है, हुआ बाहरी आदमी रोजगार परख हो तो वो रोजगार हमने के कैसे हमने पास कैसे है, तो वो नीति नियम सरकार के बाद में झारखंड राज्य मिल रहा है। इस संघर्ष सबके मालूम हो, सबके मुंह से भी सुन ले, अब का हले ना हले ओकरा भूल जाए। जे 23 साल में झारखंड के मिले चाहिए वो आज तक ना मिल रहा, लोग यहाँ शोषित है, वंचित है। तोनी का मालूम है तो झारखंड राज्य में खनिज से संपूर्ण राज्य है, परिपूर्ण राज्य है। 40% ऑफ मिनरल्स झारखंड में पावल जा है, कोयला रहे, अबरक रहे, सोना रहे, चांदी रहे, किसी तरह का भी जे भी नेचुरल रिसोर्स रो है, जमीन के अंदर जो खनिज पावल जा है उस झारखंड राज्य में मिलो है। और यह झारखंड राज्य पूरा इंडिया में सप्लाई करो है, प्लस आउटसोर्स भी करो है विदेश में भी। अगर विदेश में भी कोयला के मांग हुआ है ना, तो यह है झारखंड राज्य। ये रामगढ़ का कोयला, कर्मा प्रोजेक्ट का कोयला ऑस्ट्रेलिया में जाके हुआ यूज हो रहा है। तो ऐसा बात ना है कि झारखंड कहीं से भी गरीब राज्य है। अब लोग हर किसी के सरकारी नौकरी में जगह तो नहीं मिले पा रहा है, किसी तरह से वैकेंसी आ रहा है, तो मान नौकरी हमने के नीति ना रहल के वजह से आज झारखंडी के नौकरी भी ना मिल पा रहा है। अगर सरकारी नौकरी के बात करब तो झारखंड में झारखंडी कौन हो ओकर पहचान अभी तक ना मिले पा रहा हूँ। तो वो पहचान कहाँ से एतुन, वो आधार कहाँ से एतुन, तो पहले झारखंडी कौन लगा एक पहचान मिले चाहिए। तो विशेष ये सब बात तो होते रहता है, लेकिन जो अधिकार हो ओकर बात कर पोन। हमनी राज्य में हमनी के रामगढ़ में इंडस्ट्रियल बेस्ड एरिया नो, यहाँ कहीं कोयला के खदान हो चारों कोन, कैथा में ना हो शायद, लेकिन कैथा से 4 किलोमीटर दूर में खदान हो। जैसे ही तो नदियां हो न, दामोदर नदी पार करब तो दामोदर नदी के किनारे किनारे में खाली कोयले भरल है, तो कैथा कितना लोग सीसीएल में काम करो है, कैथा कितना लोग सीसीएल में काम करो है। नियमता का होना चाहिए। अगर हमारे राज्य में कोयला है तो रोजगार आदमी कहाँ मिले चाहिए, कोयला में। पता चल तो कोयला के खदान में काम करे वाला भी हमने के आदमी ना हो। भैया आज पलायन का है झारखंड में, तोर घर में रोजगार हो, तोर घर में कोयला हो, तोर घर में संसाधन हो, हुआ से अरबों रुपया का कोयला डेली बाहर मंडी में भेजल जा रहा हो, लेकिन तोर हुआ अधिकार ना हो तो हुआ रोजगार परखना है, हुआ बाहरी आदमी रोजगार परख हो, तो वो रोजगार हमने के कैसे हमने पास कैसे है, तो वो नीति नियम सरकार बनेबे ना कर लो। वो नीति नियम कहाँ से है तुम, जब तक एक पढ़ा लिखा हुआ जब झारखंड के नेतृत्व ना करते तब तक। आज तोनी के खेती है, वो हमको जमीन हो, खेती बाड़ी करो है, धान उगा हुआ ओकर में अधिकार के कर, धनवा बेचे का अधिकार तोनी कौन था, तोनी अपने केकरो दियल जा है, अपन चचेरा भाई भी दियल ना जाए था केकरो ना, अगर तो अपन कर रहा तो तोरे लगो वह नियर। अगर हमारे राज्य में खनिज है तो अगर मैं किसी तरह का भी केकरो रोजगार मिलता तो झारखंडी के मिले चाहिए, वो नीति कहाँ से एतोन। तो यह सबके लड़ाई होन जे हक अधिकार हमने के ना मिलो, यही भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री चलो है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री झारखंड गवर्नमेंट कहे के एगो प्रोपेगेंडा के तहत में एगो नॉर्म ले आन लोन कि 75% हमने के लोग हुआ काम करते है, का 75% हमने के आदमी हुआ काम कर रहे है, 40,000 रुपया तक के नौकरी ऑफिशियली रहे या अनऑफिशियली रहे, ओकर में 40,000 रुपया तक के नौकरी स्थानीय लोग करते है, रामगढ़ के लोग करते है, झारखंड के लोग करते है, का हुआ हमने उतना काम कर रही है ना कर रही है। तो ये सब कैसे है तुम, जब तक एकजुट ना है, आज यह एकजुट ना रह चाहिए, नेता दलाली करो हन, मंत्री दलाली करो हन, विधायक दलाली करो हन, सांसद दलाली करो हन, हमने पास संसाधन का कोई कमी ना हो। तोरा बताओ यून हमने कोयला के बिजनेस में किसी तरह से कोई इन्वॉल्व होना है, यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर है तुम तो हनी कर्मा के खदान हुआ, हुआ से डेली अरबों रुपया का कोयला बाहर जा रहा हो, कितना लोग हुआ ट्रकों के माध्यम से कोयला खरीद रहा, कोयला के व्यापार में भी कोई शामिल है या कोई घरवाली शामिल है तुम ना। नीति का रहना चाहिए कि देखिए झारखंड में कोयला है तो भाई रोजगार झारखंडी को मिलना चाहिए, नियम का बने चाहिए, बिना झारखंड गवर्नमेंट के अनुमति के एक छटाक यहाँ से कोयला उठा ना सकल है, ओकरा एक नियम को थी CTO कंसेंट टू ऑपरेट विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट नो वन कैन लिफ्ट द कोल, मतलब सरकार का अनुमति के बिना में कोई कोयला उठा नहीं सकता है,
सरकार उसको माइनिंग परमिशन देता है, है ना। जब तक माइनिंग परमिट नहीं देगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं देगा, तब तक वो कोयला उठा नहीं सकता है। तो सरकार ये नीति नहीं रख सकता है, उस कंपनी को नहीं बोल सकता है सीजल को कि भाई हम तुमको परमिशन तभी करेंगे जब तुम स्थानियों को रोजगार दोगे, यहाँ के लोगों को रोजगार परक बना, तभी हम तुमको कोयला निकालने का अनुमति देंगे। नहीं, तो अगर सरकार इस चीज और पहल नहीं करता है तो हम लोग जेबीके से अगर सरकार बनता है तो हमारा नीति क्या रहेगा, जमीन हमारा, पूंजी तुम्हारा, हिस्सा बराबरी का। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप एक जमीन का मालिक थे, कहीं ना कहीं आप जमीन का मालिक थे, लेकिन आज आपका 2 एकड़ जमीन ले लेता है, उस 2 एकड़ जमीन में आपको पता है नौकरी कितना का मिलता है? नौकरी एक आदमी को देगा 2 एकड़ में, जो प्रोविजन है बीसीसीएल का, एक आदमी को 2 एकड़ में, सो भी रैयती जमीन है तो एक आदमी को नौकरी देगा 2 एकड़ में। और आप पूरा जिंदगी भर कमाइएगा ना, पूरा जीवन का टर्नओवर मात्र 2 करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं रहेगा, 2 करोड़ रुपया से आप ज्यादा नहीं कमा सकते हैं आप पूरा जीवन काल में। आपका जमीन से पता है वही 2 एकड़ जमीन से अरबों का कोयला निकलता है, 300-400 अरब का कोयला निकलता है आपका जमीन से, और आप मोहताज हो जाते हैं 2 करोड़ रुपया में आप जमीन दे दिए, आने वाला पीढ़ी तो आपका तो खत्म, एक नौकरी चला गया, आने वाला पीढ़ी क्या करेगा? लास्ट टाइम में कोयला भी निकल गया, 3 लाख जमीन भी नहीं बचा, तो वो तो खत्म हो गया, वहां पे सर्च क्या रहेगा? भैया हम तो आपको जमीन देंगे, हिस्सा बराबरी रहेगा, और बाकी जो स्थानीय लोग है आसपास का, जो धूल गर्दा खा रहा है, धूल गर्दा पॉल्यूशन से प्रभावित है, जो रोग बीमार से ग्रसित हो रहा है, उसको काम मिल रहा है, उसको नौकरी में प्राथमिकता दीजिए। कोयला का जिस तरह का भी व्यापार होगा आप उसको उसमें प्राथमिकता दीजिए, तभी तो हम आपके साथ में साझेदारी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब जो समझौता होगा जमीन मालिक और कंपनी के बीच में सीधे होगा, बीच में सरकार इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप जमीन का मालिक थे तो बीच में मीडिएटर बनने का आपको काम नहीं करना है। 2 पार्टी के बीच में काम होगा, आप कोयला निकालिए, जमीन हम देते हैं, तो ये दोनों के बीच में समझौता होगा। ये समझौता आप क्या करो, तुम कंपनी और सरकार के बीच में हो, जगरा बोलो थी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन, तो वो समझौता रैयत और कंपनी के बीच में होना चाहिए। अगर कंपनी भी इस तरह के चीज ना मानो है तो एक एक डिमांड रहता हूँ जेबीकेएसएस के कि भैया जिसका जमीन है उसको माइनिंग का अधिकार दे दो। लोग बोलता है कि भाई माइनिंग या खदान पे सरकारी लोग का हाथ है, सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक जन समुदाय का हकदार है उसमें। आर्टिकल 39B के तहत में जो जमीन के अंदर में जो भौतिक संपदा हो, कोयला, अभ्रक, सोना, चांदी, सबके मालिक तो नहीं लगा, तो ओकर आधार पे हमने के माइनिंग के अधिकार दे दे, सरकार के टैक्स से मतलब हो, हम टैक्स दबो। आखिर प्राइवेट कंपनी टाटा अंबानी अदानी कोयला निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, तो रैयत कम्युनिटी का ही नहीं निकालेगा? अगर रैयत कम्युनिटी वहां पे निकालेगा तो अपना क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं करेगा, रोजगार अपना लोग को नहीं देगा क्या? तो लोग, कंपनी बाहर ही है, वो चाहती नहीं है कि यहाँ का लोग रोजगार परख रहे। और एक बात बता देते हैं, नीति ऐसा ही होना चाहिए हम लोग का खनिज के साथ में। और कुछ लोग ये बात रखता है ना कि भाई झारखंडी पढ़ता नहीं है तो नौकरी कहां से मिलेगा, ये बात बार बार सुने थे तुम, कोई कोई बुद्धिजीवी गार्जियन भी हतुन जब बहुत पढ़ा लिखल हतुन वो भी बोलो तुम कि झारखंडी अरे पढ़े ना तो नौकरिया कहां से मिलते। एक बात बता दो यून, जितना भी अबा अगर कोई फॉर्म भरे था बने तो सबसे पहले योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाई दी फॉर्म, तो बतावा मिनिमम योग्यता का रो है भाई? आपना 50% नंबर आया है ग्रेजुएशन में तो आप एप्लीकेबल है फॉर्म भरने के लिए, मतलब आप जॉब करने के लिए एप्लीकेबल है। वहां पे कंपटीशन कहां से बढ़ाया जाता है भाई? हम लोग तो शुरू से जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में रहे हैं, आज अगर 50% नंबर ला के भी अगर हम नौकरी नहीं ले पा रहे, मेरे अंदर योग्यता है। आज एक कलेक्टर से जाकर पूछिए किस टाइप का वो जॉब करता है, किस टाइप का जॉब रोल है, तो हर तरह का वो काम कर रहा है, तो बहुत कठिन नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क होता है। ऐसा नहीं, अगर जो बोलता है कि झारखंडी पढ़ता नहीं है नौकरी नहीं ले पा रहा है तो ये गलत बोल रहा है। हमने का नौकरी में किसी तरह के कोई एक हुआ ना फाउंडेशन बाउंड्री उठिए काम ना कर लो सरकार, आज कंपटीशन इतना हाई हो जा रहा है, कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, वह रीजन हो, हमर कहना हो अगर झारखंडी में किसी तरह का भी नौकरी रोजगार मिला वो झारखंडी के मिले 100%, और जे हमने का कॉम्पिटिटर रहते हैं, प्रतियोगिता रहते हैं, प्रतियोगी जो रहते हैं वो झारखंडी रहते हैं ना कि बाहरी रहते हैं, क्या कि राज हमने का बड़ा संघर्ष से मिलल हो, और राज इसीलिए मिलल है कि यहाँ झारखंडी के विकास हो सके। और एकड़ से ज्यादा पूछना, और बस 2 मिनट के आप समय लगो, बस मुद्दा के बाद बात करो, यो
इंडस्ट्रियल बेस एरिया हो, रामगढ़ में लगभग 200-300 से ज्यादा फैक्ट्री हो, लेकिन रामगढ़ के लोग आज भी पलायन करे के मजबूर हो। आज कैथा रामगढ़ से सटा हुआ हमारा लोगों सबसे सटल नियर बाई गाँव है, कैथा में कहा डेवलपमेंट है, यहाँ के मानव के प्रति मतलब यहाँ के आदमी में का कोई विकास तो दिखे चाहिए इनको, यहाँ के लोग विकसित हुए पार ले ना हुए पार ले, रीजन का है हमने जागरूक नहीं है। अगर यहाँ किसी तरह का भी मार्केट है, बाजार है, किसी तरह का भी कुछ भी काम है तो कर में हिस्सेदारी केकरा होना चाहिए, प्राथमिकता केकरा होना चाहिए, पहले कैथा के वासी को होना चाहिए, लेकिन उन्हें मिल रहा लो। सीसीएल इफेक्टेड एरिया हो, सीसीएल पूरा रामगढ़ में फैलल है, डीएमएफटी नाम का एक फंड आया है, ओडीएमएफटी में 1145 करोड़ रुपया का फंड है, 1145 करोड़ रुपया का फंड है। अगर एक सांसद विधायक के पूरा कार्यकाल के जानो है, 5 साल के अगर वो कार्यकाल हुआ है ना, मात्र 25 करोड़ रुपया को काम करे मिलो है, अपन अनुशंसा के आधार पे मात्र 25 करोड़ रुपया के काम कर सकल है, लेकिन डीएफटी मात्र 2016 से 2020 तक इस 4 साल में मात्र मतलब 1145 करोड़ रुपया सरकार के खजाना में जमा है। वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को थी डीएमएफटी जे डीसी अगर अध्यक्षता करो है, ओकर निगरानी में उस क्षेत्र के विकास में खर्च करना है। क्या रामगढ़ प्रभावित एरिया ना है का, कैथा प्रभावित एरिया ना है का, यहाँ से 4 किलोमीटर के दूर में कर्मा प्रोजेक्ट चलो है, हुआ के धूल गर्दा से लोग प्रभावित ना हो रहे थे, इनका अखनी हुआ रोजगार का अधिकार ना है का, हुआ एगो लोकल सेल भी चलो है, हुआ केकरो हिस्सा मिलो किसी तरह से, जबकि अंडर सीएसआर कवर्ड एरिया 25 किलोमीटर ऑफ रेडियस के अंदर में ये काम कंपनी का दायित्व तो बनता है कि हम वहां के लोगों को विकास के लिए काम करें, वहां के लोगों का शिक्षा के लिए काम करें, वहां के लोगों का रोजगार के लिए काम करें। सरकार इस ओर पहल नहीं कर रही है, ना कंपनी पहल कर रही है, ना हम लोग खुद अपना आवाज बन रहे हैं। तो एक जो संगठन हमने के चल रहे झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति ओकरे आधार पे और सब नियमता है, सब नियम है आर्टिकल 135 जो कंपनीज के सीएसआर के कवर करो है 2% और टोटल टर्नओवर के एवरेज 3 इयर्स के जो प्रॉफिट हुआ है ओकर एवरेज प्रॉफिट के 2% वो ओकरा खर्च करे जो करोड़ों में आवो है। डीएमएफटी के तहत में राशि बताइए दलियो जो रामगढ़ में विकास के काम कर सकल है, तो ये आधार हमने रोजगार परक कैसे ही है, मैक्सिमम लोग कैसे जुड़ी है, तो यह सब हमने का जन मुद्दा हो और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ओकरे लिए संघर्षशील है, यहाँ के लोग रोजगार परख हुए, यहाँ के लोग के अधिकार मिले और यहाँ के लोग विकसित हुए, यहाँ के सबसे बड़ा चीज है राज्य अलग होले है यहाँ के लोग के विकास के लिए, लेकिन यहाँ के लोग विकसित ना हो रहे, ओकरे लेके टाइगर दादा के नेतृत्व में बहुत बड़ा उलगुलान चल रहा, ये उलगुलान में समर्थन दिए लगन सब लोग इतना दिन देख लेला, सब शोषण कर सब किसी तरह अपन खाली बढ़ देखल सुन, लेकिन हमने के बारे में कोई ना सोच लो, तो आप समय आ गए हो परिवर्तन करा, 2024 का इंतजार है लोन और देखा ये उलगुलान झारखंड राइज हेल के बाद में पहली बार इतना बड़ा उलगुलान हेल है, ये उलगुलान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ला और एगो नया क्रांति के अपन जो आवे वाला भविष्य है बच्चा के ओकरा तूल दहक, ओकरा जे मुकाम है जे मंजिल चाहे रह लिए हमने झारखंडी लोग के लिए वो हासिल आवे। चला जोहार गो सबके।